बात करेंगे यूपी के उन स्टूडेंट के बारे में जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जीएनएम और डीफार्मा कर रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका जब कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे। तो पूरे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरा जो आपका कंफ्यूजन है मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ताकि मैं आपकी दिक्कत को दूर कर सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं और मैं बताता हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप खुद चाहें, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आपके पास सिस्टम है, तो आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए बताई जा रही है वो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू ही आपको करना है। इस बोर्ड से अगर आपने डी फार्मा और जीएनएम का कोर्स किया तो आप आसानी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की मैं प्रोसेस बता दूं कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। तो ध्यान से आप एक एक चीज को नोट कीजिएगा और उस हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जैसे ही आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूं, अगर कंफ्यूजन रह जाती है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो मैं एक डेमो लेकर के आऊंगा और डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। मैं रजिस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट थे, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स में अगर बता दें तो सबसे पहले आपको डी फार्मा का फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है, आपके पास रहना ही चाहिए। और दूसरी चीज, आपने जो इंटर्नशिप की है वो इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंटर्नशिप बोर्ड जो है एक्सेप्ट करता है उन्हीं जगह का। अगर आपने बीएमएस कॉलेज से किया है या किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से किया है जो इंटर्नशिप, वही एक्सेप्टेबल है, नहीं तो बोर्ड आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, नहीं कराएगा। तो इसमें आपके 3 मंथ की जो इंटर्नशिप की डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, जिसमें आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 45 दिन और 45 दिन का, मतलब 45 डे और 45 डे का 2 डॉक्यूमेंट्स। जहां से भी आप इंटर्नशिप करेंगे वहां से आपको 2 डॉक्यूमेंट्स बनाना है, एक तो फार्मेसी का और एक जो है हॉस्पिटल में ड्यूटी करने का, मतलब प्रैक्टिस का, एक बनेगा 45 दिन का और एक बनेगा फार्मेसी में ड्यूटी करने का। तो ये 45 45 दिन का ये अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपको 2 फॉर्मेट में आपको ये अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है इंटर्नशिप का। फिर तीसरी चीज है आधार कार्ड आपको चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, उसके साथ ही 10th और 12th की मार्कशीट रहनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब आपका सनद भी होना चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, सिग्नेचर, आपके खुद के सिग्नेचर। जब इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे तो आप इजीली बोर्ड की वेबसाइट से जाकर के अपना खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के जो सर्च इंजन है उसमें आप लिखोगे BIMUP। जो ही आप BIMUP करेंगे और जो ही आप सर्च करोगे तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप स्क्रॉल करते हुए आओगे और वहां पे आपको पेज मिलेगी रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन मिलेगी, आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद से आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें आपका नेम भरना है, नेम भरना होगा, फिर फादर्स नेम भरना होगा, फिर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल हो भर दीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर नेम और अपना नेम जब भर देंगे तो उसके बाद से आपको यहाँ पे
क्लिक करने के लिए बोलेगा कि यहाँ से आपका एक एप्लीकेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ज्यों ही मतलब कि आपका बनेगा, तो इसी एप्लीकेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। और जब एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप नोट करके रख लोगे तो सेकेंड स्टेप में आपको जाना है। सेकेंड स्टेप पे जो ही आप जाओगे तो आपको फीस पेड करनी होती है आपके रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको बोर्ड की जो फीस है वो ज्यादा नहीं देनी होती है, आपको 1100 रुपए मतलब 1100 जो है बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेड करनी होगी। आप उसको ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। तो आप बोर्ड की जो फीस है 1100 रुपए पे कर देंगे, जो ही आप 1100 रुपए पे करोगे ऑनलाइन जो ही पे कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक पेमेंट की एक आईडी नंबर मिल जाएगा। पेमेंट आईडी नंबर मिलेगा, उस पेमेंट आईडी नंबर को आपको एसएमएस से आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पे सेंड कर दिया जाएगा। उस आईडी को, उस नंबर को आप सेव करके रखोगे और जब आप फिर से तीसरे स्टेप में जाओगे तो आपको एप्लीकेंट आईडी और जो आपने पेमेंट किया था उसका नंबर उसमें डाल करके और आपको अपना पेज खोल लेना है। आप चाहे तो फिर से पासवर्ड बना सकते हो। जो ही आप पेज खोलोगे तो फिर आगे के प्रोसेस थर्ड स्टेप में आपको मिलेंगे, जहां पे आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट को नोट कर मतलब कि रिटेल में भी देना है और सभी की स्कैन कॉपी भी वहां पे अपलोड करनी है। जैसे ही आप पूरी सारे थर्ड स्टेप में आप सारे ऑप्शन भर लेते हो और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देते हो और जो ही आप सबमिट करते हो तो सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। अब जरूरत है क्या, आपको उस प्रोसेस की जितना भी आपने प्रोसेस किया था वो एक जगह पे पूरी तरह से ऑनलाइन पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है और एक स्लिप आती है जिसमें आपका एप्लीकेंट आईडी, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर वो फोटो के साथ आ जाएगा, आपके सिग्नेचर के साथ आ जाएगा, जहां पे आपकी फोटोग्राफ कोने में दिखेगी और साथ में आपके डिटेल भरे हुए हैं कि हाई स्कूल इंटर के जो मार्क्स हैं, जो भी आपने अप्लाई किए, जो भी भरे हैं वो डिटेल जो है वो सब यहाँ पे दिखेंगे। और एक ऐसा प्रिंट आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो ही प्रिंट आउट आप निकाल लोगे तो उसके नीचे लिख करके आएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताया वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे नंबर वाइज लिख करके आएंगे। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी और ये जो आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया था इसकी जीरोक्स कॉपी लेकर के सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और एक लिफाफे में आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बोर्ड की जो बोर्ड का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको इसे कोरियर कर देना है या स्पीड पोस्ट कर देना है। इस हार्ड कॉपी को आप बोर्ड के एड्रेस पे कोरियर कर दोगे या स्पीड पोस्ट कर दोगे तो वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन में बोर्ड के एड्रेस पे पहुंच जाएगा और लगभग कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है। इतने दिन में आपकी जो पूरी रजिस्ट्रेशन है वो बोर्ड में हो जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपने जो होम एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो आपने दिया है उस एड्रेस पे बोर्ड द्वारा आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है आपके होम एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या कोरियर से भेज दिया जाता है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस की डिटेल थी। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करके चलेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन का जो पूरा डिटेल है वो इसी तरह से सबमिट होगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है आपको आसानी से मिल भी जाएगा। और सबसे जरूरी जो बात है, अगर आपको बोर्ड का एड्रेस नहीं पता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बोर्ड का एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर तब भी आपको बोर्ड का एड्रेस नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बोर्ड का एड्रेस भी आप सभी को बता दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप बोर्ड का एड्रेस भी देख सकते हो। मैं वहां पे लिंक दे दूंगा जहां पे आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी, बोर्ड का एड्रेस भी मिल जाएगा, आप वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। तो जो आपने डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं जो प्रोसेस आपको बताई गई सेम वही प्रोसेस जीएनएम का भी है, सेम वही प्रोसेस है, बस फीस जो पे करनी होती है वो अलग हो जाती है। जीएनएम की जो
रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 2200 रुपये हो जाती है, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बस डिफरेंस हो जाता है। बात करते हैं जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब आपका फाइनल हो जाता है। जीएनएम जब फाइनल हो जाता है तो फाइनल का मतलब क्या, आपको फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट ईयर मतलब जो आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर किया है, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट और फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर मतलब जो 200 मार्क का जो प्रसूति का पेपर हो रहा था उसकी सर्टिफिकेट, तो ये आपको चाहिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 200 नंबर की जो प्रसूति का पेपर था उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और फिर आपको इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए, जो 9 महीने की इंटर्नशिप है। बार बार मैं कह रहा हूं आपकी इंटर्नशिप 6 महीने की नहीं है, 9 महीने की इंटर्नशिप है, तो 9 महीने के इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो भी इंटर्नशिप आपको कहां से करना है, किसी बीएमएस कॉलेज से या किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से करना है। तो वहां आपकी जो इंटर्नशिप हुई है 9 महीने की उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे वहां पर आपकी उसकी जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से सेम जहां पे भी डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपका सर्टिफिकेट यानी कि सनद भी चाहिए आपका, अगर सनद अलग है तो लगा देंगे, नहीं तो एक ही में है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आपका आधार कार्ड, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो, फिर सिग्नेचर, ठीक। तो इसमें भी इस तरह से अगर देखें तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये सभी डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद से जैसा मैंने प्रोसेस बताया है उसी तरह से, जैसे डी फार्मा वालों को बताया था उसी तरह से आपको भी क्या करना है, पहले अपना एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है, उसके बाद से फी पेमेंट करनी है। तो जीएनएम की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 2200 रुपये होती है, तो 2200 रुपये आपको ऑनलाइन पे कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पे करोगे तो ऑनलाइन पे करते ही आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट में आपको एक नंबर मिलेगा जो पेमेंट को सक्सेसफुली जनरेट होने के बाद से ही दिखाएगा, तो वो पेमेंट की जो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद से जो नंबर मिलेगा उसको आपको नोट कर लेना है। और सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में जा करके आपको अपने एप्लीकेंट आईडी और उस पेमेंट के नंबर से अपना पेज लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो जैसे ही डिटेल्स आई पूछेगा उस तरह से डिटेल भरते जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करते जाना है, और लास्ट में जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने डी फार्मा के साथ बताया उसी तरह जीएनएम में भी आपको करना है, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपको जीरोक्स में लेनी है, और जीरोक्स कॉपी को एक लिफाफे में पूरा सेल्फ अटेस्टेड करके जीरोक्स कॉपी को आप लिफाफे में भर करके बोर्ड के एड्रेस पे सेंड कर दीजिए, और उसकी एक एक कॉपी अपने पास भी प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस, जब बोर्ड के पास आप भेज दोगे तो जो मैक्सिमम मैंने टाइम बताई थी उसी टाइम में आपके होम एड्रेस पे आपके जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो इसमें पोस्ट कर दिया जाएगा। अब रही दूसरी बात जो कि आपको सबसे आसान लगता है लेकिन वो सबसे कठिन है, आप क्या करते हो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस के लिए आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हो, और जब आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेबल होते हो तो कॉलेज आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है जो कि सही नहीं है, और आप सारी प्रोसेस जान करके भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका इंटर्नशिप है वो कंप्लीट होना चाहिए, और इंटर्नशिप के लिए भी मैं बता दूं कि इंटर्नशिप की पूरी जिम्मेदारी जो है कॉलेज की होती है, इंटर्नशिप पूरा कॉलेज को ही कराना है। अगर इंटर्नशिप सही तरीके से नहीं होती है, सही जगह से नहीं होती है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन फंस जाएगा। इतने दिन मेहनत करने के बाद से जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इतना बड़ा कोर्स जो आपने 4 साल खर्च करके लिया है वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं हो जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर और भी आपको कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं समझ में आई तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक डेमो वीडियो देने के लिए, जिसमें आपको टोटली मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और
एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जो आप इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, हमसे बहुत ही ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हो। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे ताकि जितनी भी समस्याएं हैं उसको मैं तेजी से सुलझा दूं, और आपको कोशिश मैं ये करूंगा कि आपकी जो आने वाली जो भर्तियां हैं, जो भी वैकेंसियां आ रही हैं यूपी में आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, आयुर्वेद जीएनएम की, तो मैं आपसे आप सभी की कंपटीशन से रिलेटेड प्रिपरेशन भी मैं कराऊं, तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं जल्दी ही आपके प्रिपरेशन, कंपटीशन से रिलेटेड प्रिपरेशन और भर्तियों से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो तो चैनल पे बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।